ये स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल भैया। भैया नॉइस तो बहुत कम है ये, उसके अलावा डैम्पिंग से भी सेंसुई का हमारा ये एंड्रॉइड है, काफी अच्छा एंड्रॉइड सिस्टम है। साथ के साथ इसके अंदर हमने ये एम्बिएंट लाइट लगा रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो इसकी लुक एंड फील। टोटल 6 पीस का सेटअप। हेलो भैया, आज तो ये नई वाली बुलेरो लग रही है एकदम, जिसमें वो मीटर दिखाया था आपने नया वाला, वही है ना? बिल्कुल, ये वही मॉडल है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। ठीक है, जो लेटेस्ट नए मीटर के साथ जो गाड़ी आई है, इस गाड़ी का आज आपको बताएंगे इस गाड़ी हमने क्या काम कर रखा है। ये गाड़ी स्पेशली हमारे पास हरियाणा झज्जर से आई थी गाड़ी, कस्टमर ने हमारी वीडियोस देखी थी, उन्होंने कहा कि मैं बुलेरो लेने वाला हूं तो मेरे को भी अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा ही काम कराना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने लगाया एक एबीएस गार्ड। एबीएस गार्ड? हाँ, ये एक एबीएस गार्ड है। ठीक है, जो एक नॉर्मल बुलेरो से एबीएस गार्ड वाली बुलेरो को काफी अलग और काफी बोल्ड लुक देता है। हाँ, ये थोड़ी मतलब एक ना फ्रंट की जो लुक है काफी सॉलिड आ रही है, मस्कुलर लगती है गाड़ी, काफी भरी भरी लगती है। वो उधर नॉर्मल खड़ी हुई है, बिल्कुल कोई गार्ड नहीं लगा, बिल्कुल भी है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी लुक्स को भी डिफरेंशिएट करती है नॉर्मल बुलेरो से। तो ये हम रिकमेंड करते हैं कस्टमर को ये लगाए, जिससे गाड़ी की लुक काफी अच्छी हो जाती है। उसके बाद सेकंड हमने एक ऑप्शन बताया कस्टमर को, ये हिंज लगाओ। ओके, ये बुलेरो का पर्टिकुलर हिंज है। हिंज का फायदा ये होता है कि गाड़ी अगर आपने क्लीन करनी हो, कई बार हम मतलब जैसे बीच का पार्ट क्लीन करना आसान होता है, क्लीन नहीं कर पाता, इस पर चढ़ के आराम से क्लीन कर ले, गाड़ी क्लीन करने में भी काफी अच्छा लगता है। और ये लगी हुई एक्सेसरी भी बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि थार वगैरह में बहुत पॉपुलर है, थार वगैरह में काफी लगता है। तो स्पेशल हमने बुलेरो का ये डेवलप कराया, और बुलेरो वाले तो इसको छपा भी हुआ है, बुलेरो और बुलेरो की फिटिंग है, और कोई थार वाली जुगाड़ वाली फिटिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने डोर वाइजर लगा रखे हैं। ठीक है, ताकि जब बारिश का टाइम होता है तो हम शीशा खोलते हैं तो अंदर इंटीरियर में लुक वाइज भी थोड़ा सा लुक वाइज भी काफी अच्छे लगते हैं। एक रूफ रेल लगा रखी है इसके अंदर हमने ब्लैक कलर की, ये रूफ रेल आई नहीं थी इसमें, इसमें नहीं आती, इस बुलेरो के किसी भी मॉडल में नहीं आती, तो ये हम लगाते हैं बुलेरो में, काफी अच्छी लगती है, गाड़ी की हाइट बढ़ जाती है, गाड़ी देखने में काफी अच्छी लगती है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये कर्टन लगाए हैं कार के अंदर, वो तो इंटीरियर का काम, वो इंटीरियर का काम हो गया। बैक पे बात करेंगे तो पीछे हमने एक तो लगा रखी है लैडर। ठीक है, लैडर कस्टमर बहुत पसंद करते हैं इस गाड़ी में, पीछे से आप लुक देखो गाड़ी की, लैडर के साथ सेफ्ली का टायर लगाओ, गाड़ी बहुत बोल्ड लगती है और बहुत बढ़िया लगती है। बैक पे हमने एक स्पॉइलर ऐड कर रखा है। अच्छा, ये ऐड किया आपने, लगा हुआ नहीं आया? ये नहीं लगाया था, ये भी हमने लगाया। तो एक्सटीरियर का सारा हमारा ये काम था। अब बात करेंगे इसके इंटीरियर की, इंटीरियर के अंदर भी हमने इसका पूरा कस्टमाइज काम कर रखा है। इसका इंटीरियर की बात फिर अंदर ही बैठ के करते हैं ना। हाँ जी भैया जी, आइए अंदर चलते हैं। चलो इंटीरियर की बात कर लेते हैं, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है बाहर, ये एक्सटीरियर में गाड़ी वॉश भी करवा देते हो क्या आप?
अब गाड़ी क्लीन तो करके देंगे ना कस्टमर को। चलो बढ़िया भैया, तो सबसे पहले भैया गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कि कैबिन में नॉइस कितनी आ रही है। मैंने ना माइक नहीं लगाया अभी फोन में जी। मैं जो भी बोलूंगा ना वो डायरेक्ट मेरे फोन में रिकॉर्ड हो रहा है, और भैया अभी थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा बिल्कुल, तो व्यूअर्स को अच्छे से सुनाई देगा। अब जैसे कि ये हमारी गाड़ी की स्टॉक आप सुन सकते हो, आवाज है अभी गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते ही ये स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल भैया। ये नॉइस तो बहुत कम है ये, उसके अलावा डैम्पिंग से भी बहुत फर्क पड़ा होगा। डैम्पिंग भी पूरे फ्लोर में हो रखी है, डोर्स में हो रखी है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, फ्लोरिंग में हुई है, फ्लोर के नीचे डैम्पिंग हुई है, चारों डोर्स में हुई है। लगभग कितनी शीट हुई होगी यूज? लगभग 25 शीटें लग जाती है, डोर में 10 शीटें लग जाती है। और इसके उसमें भी होगा ये जो होता है बोनट पे? नहीं, बोनट पे इस गाड़ी में नहीं यूज करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल ही नहीं थी इस गाड़ी पे, बिल्कुल ब्रांड न्यू थी तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट जो पुराने मॉडल्स होते हैं उनमें लोग करवाते हैं। ठीक है, बाकी भैया मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये स्टीरियो नीचे भी लगा है, ऊपर भी डबल स्टीरियो? हाँ, इसके अंदर ये कंपनी फिटेड ऐसा आता है स्टीरियो। ठीक है, तो कस्टमर ने ये हटवाया नहीं, इसको बंद करवा दिया। ठीक है, कनेक्शन सारे ऊपर करवा दिए। ठीक है, दो स्पीकर आगे लगे हैं, दो स्पीकर पीछे थर्ड रो में लगे हैं, सेकंड रो में भी दो स्पीकर लगे हैं इसके अंदर, टोटल 6 स्पीकर का सेटअप चल रहा है। मतलब 6 स्पीकर हैं आगे, फ्रंट में कहाँ पे हैं भैया स्पीकर? पैरों में आते हैं गाड़ी के अंदर, 4 स्पीकर गाड़ी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ठीक है, हमने टोटल 6 स्पीकर सेटअप कर दिया इसके अंदर ताकि साउंड काफी अच्छी रहे गाड़ी के अंदर, और आपको एडिशनल बेस्टू वगैरह लगाने की जरूरत न पड़े। ठीक है, और ये जो स्पीकर्स चल रहे हैं डायरेक्ट इस स्टीरियो से चल रहे हैं, ये कौन सी कंपनी का भैया? सैमसंग का हमारा ये एंड्रॉइड है, काफी अच्छा एंड्रॉइड सिस्टम है, लैग्री एक्सपीरियंस देता है, और काफी अच्छा, और काफी गाड़ियों में हम लगा चुके हैं, इसलिए हम कस्टमर को कहते हैं ये एक अच्छा रिलायबल प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात है जो इसकी सर्विस जो मिलेगी वो मैक्सलिंग इंटरनेशनल वो सर्विस इनकी देगी, क्योंकि वो इसकी इम्पोर्ट है। हाँ, वो तो बहुत पुराना ब्रांड है इंडिया में, पुराना ब्रांड है, तो अगर जब वो इतना अच्छा एक ब्रांड उन्होंने लॉन्च करा तो फिर कस्टमर को भी फिर एक अच्छी चीज। बाकी ये नॉर्मल प्लग इन प्ले या फिर एम्प वगैरह यूज किया है इसमें? इसमें कोई एम्पलीफायर यूज नहीं हो रखा, 4 स्पीकर है जो अच्छी क्वालिटी के, आपके कोई भी हाई एंड स्पीकर के साथ ये प्लस 2 और टोटल 6 का सेटअप। बिल्कुल भैया, चलो ठीक है भैया, और क्या क्या काम हुआ इसमें? इसके साथ के साथ इसके अंदर हमने ये एम्बिएंट लाइट लगा रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी लुक एंड फील, टोटल 6 पीस का सेटअप है इस कार के अंदर। ये पिछले वाले डोर में भी देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर सारा कुछ है। ठीक है, ये हमारा हो गया एम्बिएंट लाइट का। अब बात करेंगे इंटीरियर की, इंटीरियर के अंदर इसके अंदर हमने सिल्वर पैकेज कर रखा है गाड़ी के अंदर। ठीक है, सिल्वर पैकेज के अंदर ये आर्मरेस्ट ऑप्शनल है, अलग से कस्टमर ने लोडिंग करवाई है ये। ठीक है, क्योंकि इस गाड़ी में आर्मरेस्ट लगे नहीं आते, ये स्कॉर्पियो में आते हैं ना, स्कॉर्पियो में आते हैं। सेंटर में आगे हमारे हाई क्वालिटी 70 मैट्स लगे हैं। ठीक है, जो पूरी थीम के हिसाब से है पूरे, और इसके अंदर इस गाड़ी में सिल्वर पैकेज हो रखा है। सिल्वर पैकेज में हम जैसे बताते हैं कि इसमें टोटल 6 आइटमें होती है। ठीक है, नई गाड़ी में हम बोलते हैं कस्टमर को आप ये चीजें कराइए, इससे गाड़ी की आपकी सेफ्टी भी रहेगी, गाड़ी के अंदर पानी वानी की दिक्कत भी नहीं आएगी, और लुक्स भी गाड़ी में पूरी मेंटेन रहेगी। मतलब एक तो फ्लोरिंग होगी सबसे पहली चीज, फ्लोरिंग, सेकंड में हमारा स्टीयरिंग कवर, थर्ड में हमारा गियर का कपड़ा। ठीक है, फोर्थ में हमारा पिलर, ये जो पिलर है पीछे तक पूरे सारे के सारे 8 पिलर। ठीक है, और 7 गत्ते। ठीक है, अच्छा 7 गत्ते, 7 गत्ते, 4-5 तो बाहर दिखते हैं, 2 स्पीकर के होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टोटल ही होते हैं, एक डिक्की में मिला के टोटल ऐसे होता है। तो 7 गत्ते, 8 पिलर, स्टीयरिंग, गियर का कपड़ा, फ्लोरिंग, और फ्लोरिंग, फ्लोरिंग मतलब कि नीचे जो पूरा पूरा लेदर बिछता। हाँ, वो लेदर बिछता है, नीट एंड क्लीन रहती है गाड़ी, और गाड़ी का जो नीचे का एग्जिस्टिंग कारपेट जो होता है वो काफी मतलब चिपका नहीं होता, वो हिलता रहता है, तो उसको प्रॉपर फिट करते हैं। ठीक है, इसको आपने सिल्वर पैकेज नाम दिया है, इसकी प्राइसिंग वगैरह ये आप व्हाट्सएप पे भी कोई अगर लेना चाहे डिटेल्स तो ले सकता है, उसमें हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसमें रूफ ऐड करना चाहते हो, अच्छा रूफ ऐड हो सकती है इसके अंदर, आगे के डैशबोर्ड आप पेंट कराना चाहते हो वो करा सकते हो। अब जैसे कस्टमर ने ये जो आर्मरेस्ट है इसके कॉफी कलर के आते हैं, इस कलर के आते हैं कुछ, तो कस्टमर ने बोला मेरे को ये ब्लैकआउट चाहिए, उन्होंने वो हाइड्रो डिप करवाया, तो ये सब चीजें एडिशनल है। ये सारा काम हमारा हुआ है इस गाड़ी का इंटीरियर के अंदर, और आउटर के अंदर हमने जो जो लगा रखा है, जैसे इसके अंदर एक OEM स्पॉइलर लगा है पीछे, ठीक है, रूफ रेल लगी है इसके अंदर, ठीक है, पीछे एक लैडर लगाई है, ठीक है, साइड में एक हिंज लगाया हमने इसके अंदर, गाड़ी चढ़ के साफ कर सकते हो, आगे एक ABS गार्ड लगा है, तो ये सारी एक्सेसरीज हमने इसके अंदर लोडिंग करी है इस गाड़ी में। ठीक है भैया, हाँ, तो ये सारा काम हमारा इस गाड़ी का हुआ है। कितना टाइम लग गया भैया इस काम में? 3-4 दिन लगते हैं, जैसे हम हर बार ही बोलते हैं 3-4 दिन का टाइम हमें चाहिए होता है ऐसी गाड़ी पर पूरा तैयार करने में। कई बार क्या होता है जैसे कस्टमर ने अपने हिसाब से सारी थीम डेवलप कराई, ये डिजाइनिंग उन्होंने अपने हिसाब से करवाई, तो फिर उसमें टाइम लगता है चीजों में। ठीक है भैया, हाँ। बाकी भैया एक बार है ना ऑडियो सुन के देख लेते हैं इसका कैसा है, बिल्कुल, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी किसी को भी पूरी डिटेल्स जाननी हो तो वो आपको कॉल या व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, और इस वीडियो का एंड करते हैं।